Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you are all fine. This is Muhammad Numan. And you are watching Bright Info. Aap sabko Bright Info mein bahut bahut khush aamadeed. Viewers, is video mein hum aapko batayenge Rawalpindi center mein aane wale hamtareen sawalat aur unke kuch answers ke bare mein. Video nihayat important hone wali hai un logon ke liye jinka test abhi mustaqbil kareeb mein hone ja raha hai aur jinko taiyari karne ke liye bhi ab kafi material required hai. तो उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है. उसके अलावा उन लोगों के लिए जो कि अभी दिसंबर के अंदर जिनका टेस्ट है उनके लिए भी, या रिसेंट हफ्ते जिनका टेस्ट है उन लोगों के लिए भी. आज की दूसरी वीडियो है ये. इसके बाद हम लाहौर और क्वेटा सेंटर की वीडियोज़ भी आज ही अपलोड कर दें. क्वेटा सेंटर वाले लोग कह रहे थे उनकी वीडियोज़ अपलोड करें, तो उनकी वीडियो भी आज ही अपलोड कर दी जाएगी. और उसके बाद लाहौर की एक और वीडियो है, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. तो इस वीडियो में रावलपिंडी सेंटर में आने वाले सवाल और इनके जवाब. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हम आपके साथ वीडियो मटेरियल शेयर करते हैं. उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है जो पेपर के अंदर टेस्ट के अंदर पूछा जा रहा है. अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, बेहतरीन किस्म की तैयारी करके जाइएगा, वीडियोज़ को ध्यान से देख के जाइएगा. इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक आप हमें कमेंट की शक्ल में भी दे सकते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है पिंडी सेंटर के हवाले से. तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया वाज यांगजी, एंड यांगजी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. एशिया का सबसे बड़ा दरिया है और दुनिया का ये तीसरा बड़ा दरिया है. दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे टेस्ट के अंदर पूछे तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, आंसर करेक्ट होगा. नेक्स्ट, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पंजाब. तो पंजाब का सबसे बड़ा रिवर जो पंजाब के अंदर रहता है, इधर आपसे पूछा गया टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख के देखना है कि जो पंजाब के अंदर रिवर्स बहते हैं उनमें से सबसे बड़ा जो टोटली पंजाब के अंदर है, तो उनमें से सतलुज है जो सबसे बड़ा दरिया है. फिर यह सतलुज एरिया वाइज उसका मीन फ्लो है, वाटर फ्लो जिधर तक वाटर फ्लो उसका जाता है, एरिया वाइज दरिया सतलुज पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है. नेक्स्ट है सेकेंड गजवा ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि जंगे वदन, वदन की जो जंग थी वो भी पहला गजवा सबर की जाती है, इसलिए बदर लिख दिया है. लेकिन इसका कन्फ्यूजन थी इसलिए मैंने कोई करेक्ट आंसर नहीं इतना आइडिया क्लियर कि ये कौन सा होगा. बाजू का तो हो जाता है कोई यार, लेकिन जंगे वदन पहली थी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजिकली पार्टिसिपेट किया था, और इसकी ये बदर दूसरी जंग थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजिकली पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट, सी टी बी टी इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी तो ये एक मुआहदा है मुल्कों के दरमियान, सी टी बी टी, जिसके ऊपर तकरीबन हर मुल्क ने दस्तखत किए हुए हैं कि वो अपना कोई भी अटोमिक वेपन टेस्ट नहीं करेगा. क्या नहीं करेगा? टेस्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन एटम बम टेस्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट नंबर फाइव, जैसा कि पहले क्वेश्चन जो आपके साथ लाहौर का शेयर किया है उसमें भी शायद आया हो, लखनऊ पैक्ट डेट. लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? तो ये साइन हुआ था जी दिसंबर 1916 के अंदर. दिसंबर 1916 इसकी एग्जैक्ट डेट है, तो ये आपका आंसर दिसंबर 1916 वाला करेक्ट होगा. नेक्स्ट है हिंदू कश माउंटेन कनेक्ट्स. तो हिंदू कश की जो माउंटेन है वो कनेक्ट करवाती हैं सेंट्रल एशिया विद साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया के साथ कनेक्ट करवाती हैं. नेक्स्ट, विच प्रोविंस ऑफ चाइना कनेक्टेड विद पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ चीन का कौन सा सूबा कनेक्टेड है? चीन का कौन सा सूबा है जो कि पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है? तो इसका आंसर है जिनजियांग. चीन का सूबा जिनजियांग ऐसा सूबा है जो कि पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है. नेक्स्ट है बाबूसार पास कनेक्ट्स कगान वैली विद चिलास. बाबूसार पास कगान वैली कनेक्ट कगान वैदी वैली विद चिलास. नेक्स्ट, हज़रत हमज़ा कौन सी जंग में शहीद हुए थे? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन सी जंग में शहीद हुए थे? तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वे उहद के अंदर शहीद हुए थे, ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट,
मीनिंग ऑफ जिहाद, मीनिंग ऑफ जिहाद, तो जिहाद के मीनिंग है स्ट्रगल, कोशिश करना, जिहाद के मीनिंग है कोशिश करना। नंबर 11 पे है फिफ्थ लेयर डैट सराउंडेड अर्थ, फिफ्थ लेयर डैट सराउंड अर्थ, माहौल की वो पांचवी लेयर कौन सी है जो कि जमीन को सराउंड किए हुए है, घेरे हुए है, तो इसका आंसर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर वाज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, एक्सोस्फेयर वाज इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट है करेंसी ऑफ द वेटिकन सिटी, करेंसी ऑफ द वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी है उसकी करेंसी कौन सी है, तो उसकी करेंसी होगी यूरो, वेटिकन सिटी की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ एस्टोनिया, कैपिटल ऑफ एस्टोनिया, तो कैपिटल ऑफ एस्टोनिया इज टैलिन, टैलिन। तो ये क्वेश्चन से जो कि रावलपिंडी सेंटर से आप लोगों के साथ शेयर किए गए थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे, अच्छी तरह देखे होंगे, समझ के देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, अच्छी तरह आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक जैसे आप हमें पहले कमेंट्स की शक्ल में देते हैं, वैसे ही आप कमेंट्स की शक्ल में अपना फीडबैक दीजिएगा। स्टे ट्यून, क्योंकि हम अब लाहौर और क्वेटा की वीडियोस भी आज ही अपलोड करेंगे, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा ब्राइट इन्फो।